अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू हतीम टेक न्यूज़। मैं हूं अब्दुल मतीन और आज की इस वीडियो में काफ़ी एक्साइटेड हूं क्योंकि आज है मेरे पास सैमसंग गैलेक्सी फोल्डेबल के लेटेस्ट जनरेशन यानी सैमसंग गैलेक्सी जी फोल्ड 3। आज मेरे पास फोन्स हैं, इसको हम करेंगे फर्स्ट लुक, लेंगे फर्स्ट इंप्रेशन कैसी है डिवाइस। और अभी तक जो मैंने देखी है मुझे काफ़ी पसंद आई है। आज मैं बताऊंगा आपको क्या क्या इम्प्रूवमेंट की गई हैं जो उसकी फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन और थर्ड जनरेशन यानी Z Fold 1, Z Fold 2 और Z Fold 3 के अंदर इम्प्रूवमेंट क्या आई हैं। सबसे ज़्यादा जो उस पर काम किया है सैमसंग ने वो ड्यूरेबिलिटी पर काम किया है क्योंकि जो लास्ट जनरेशन थी उस पर थोड़ा सा इशूज़ आए थे कि कोई भी कस्टमर एक डिवाइस पर पैसा खर्च करता है और इस तरह के डिवाइसेस पे जो कि काफ़ी एक्सपेंसिव होती हैं तो उसको ये कंसर्न होता है कि डिवाइस कितनी ड्यूरेबिलिटी है, डिवाइस की कितना लॉन्ग टर्म चलेगी और डिवाइस में कोई इश्यूज तो नहीं है। तो इस वाले से सैमसंग ने बहुत ज़्यादा काम किया है, उस पर आपको डिटेल में बताने वाला हूँ क्या क्या इंप्रूवमेंट आई हैं और क्या क्या फीचर्स हैं। प्राइजेज अभी नहीं आई है हमारे पास, प्राइजिंग जैसी आएगी तो मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको डाल दूंगा। इसके अलावा प्री बुकिंग की डेट आ चुकी है, 25 अगस्त से प्री बुकिंग स्टार्ट हो रही है और प्री बुकिंग के ऊपर आपको एक वाउचर भी मिल रहा है जो कि 32,000 रुपीस वर्थ करता है, तो ये काफ़ी ज़बरदस्त चीज़ है। देखते थे पहले जो सैमसंग की ये फोल्डेबल सीरीज़ थी ग्लोबली लॉन्च के काफ़ी टाइम बाद पाकिस्तान में आ रही होती थी, लेकिन यहाँ पे सैमसंग पाकिस्तान में काफ़ी एक्टिव नज़र आ रहा है और 25 अगस्त से प्री ऑर्डर्स भी स्टार्ट हो रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं, फर्स्ट इंप्रेशन लेते हैं सैमसंग गैलेक्सी जी फोल्ड 3 के। तीन डिवाइसेज हैं मेरे पास, तीनों कलर्स के बारे में बताना है, लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पे नोटिफिकेशन को ऑल जरूर कर लें ताकि तमाम आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो ये है हमारे पास सैमसंग गैलेक्सी जी फोल्ड 3। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसको अनफोल्ड करने पे आपके पास एक टैप का बड़ा डिस्प्ले बन जाएगा 7.6 इंच का और फ्रंट साइड पे यहाँ पे आपको कवर स्क्रीन मिल रही है जिसमें आपको 6.2 इंच का डिस्प्ले मिलेगा। डिस्प्ले क्वालिटी वगैरह ज़्यादातर वही है जो कि हमें सैमसंग गैलेक्सी जी फोल्ड 2 के अंदर देखने को मिली थी, लेकिन एक चीज़ जो कि इम्प्रूव की गई है वो यहाँ पर रिफ्रेश रेट है। रिफ्रेश रेट को 120 हर्ट्ज़ का कर दिया गया है। फ्रंट साइड पर भी यहाँ पर भी डायनेमिक एमोलेड डिस्प्ले मिल रहा है 120 रिफ्रेश रेट के साथ और फ्रंट कवर स्क्रीन पर भी आपको एमोलेड डिस्प्ले मिलेगा 120 हर्ट्ज़ के रिफ्रेश रेट के साथ, जिसमें काफी ज्यादा स्मूथनेस आ गई है और काफी ज्यादा यहां पे आपको जबरदस्त टच रिस्पांस रेट मिलेगा और साथ साथ स्मूथनेस भी काफी अच्छी आएगी गेमिंग के दरमियान भी और सोशल मीडिया सर्फिंग पे भी। तो ये एक इंप्रूवमेंट की गई है, 60 हर्ट्ज़ से 120 हर्ट्ज़ के रिफ्रेश रेट पे आ चुका है सैमसंग। और इसके अलावा ड्यूरेबिलिटी पर बहुत काम किया गया है, यहां पे डायनेमिक एमोलेड डिस्प्ले लगाया गया है जिसमें लेयर्स का भी इजाफा किया गया है और उससे क्या फायदा होगा वो आगे चल के मैं आपको बताता हूं, लेकिन उससे पहले हम बात करते हैं बिल्ड क्वालिटी की। जैसे मैं आपको बार बता रहा हूं सैमसंग ने ड्यूरेबिलिटी पे बहुत ज्यादा काम किया है। यहां पे अगर फ्रेम की बात करें तो यहां पे आर्मर एल्युमिनियम फ्रेम लगाया गया है जो कि अभी तक का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मटेरियल है जो कि किसी स्मार्टफोन में यूज हुआ है। सैमसंग का ये आर्मर एल्युमिनियम फ्रेम मिलिट्री ग्रेड का फ्रेम है और ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट है। अगर लास्ट जनरेशन से बात करें तो 10% ज्यादा इंप्रूव किया गया है, 10% ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट है ये। और बिल्ड क्वालिटी की बात करें जैसे बैक साइड पे यहां पे कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास की विक्टिस प्रोटेक्शन यूज की गई है जो कि अभी तक सबसे लेटेस्ट है। फ्रंट साइड और बैक साइड दोनों पे हमें ये मिल रही है, आप इसको कह सकते हैं कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास की 7th जनरेशन क्योंकि 6th जनरेशन तक आई थी और यहां पे उसके बाद विक्टिस की प्रोटेक्शन आई है जो कि सबसे लेटेस्ट और सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट है। तो ड्यूरेबिलिटी के अंदर सैमसंग ने बहुत ज्यादा काम किया, जैसे मैंने बताया आर्मर एल्युमिनियम कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास की विक्टिस की यहां पे प्रोटेक्शन मिल रही है। इसके अलावा इसके अंदर बाकी जो फीचर्स हैं वो सब आपने देखे भी होंगे इससे पहले की जनरेशन के अंदर, इसको आप एज अ लैपटॉप भी यूज कर सकते हैं। इसके अंदर अच्छा एक चीज और इंप्रूव की गई है जिसमें जो आप स्प्लिट स्क्रीन का ऑप्शन है यानी अब एक वक्त के अंदर तीन स्क्रीन्स को यूज कर सकते हैं मल्टीटास्किंग के अंदर। उसके अंदर एक चीज मुझे काफी पसंद आई वो ये है कि आप सेम एप्स को भी दो टाइम यूज कर सकते हैं, यानी पहले ऐसा नहीं होता था कि आप अगर एक स्क्रीन पे व्हाट्सएप खोला हुआ है तो दूसरी स्क्रीन पे आपको कोई दूसरी ऐप खोलनी होती है, लेकिन यहां पे आपके पास ये ऑप्शन भी इंक्लूड किया है जो कि मुझे बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग लगा कि आप मल्टीटास्किंग के अंदर भी सेम ऐप को ऑन कर सकते हैं। कुछ ऐप्स हैं जो कि अभी इंक्लूड की गई हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मैं व्हाट्सएप चैट कर रहा हूं तो मैंने बैक पे भी देखना है, उसको देखते हुए चैट को टाइप करना है, तो आप एक ही स्क्रीन पे रहते हुए मल्टीटास्किंग करते हुए दो एप्लीकेशन को सेम टाइम पे ओपन कर सकते हैं। ये चीज़ ये जो इंप्रूवमेंट है ये मुझे बहुत पसंद आई। इसके अलावा जैसे मैंने आपको बताया था इस पर फ्रंट पे प्रोटेक्शन के लिए एक लेयर लगाई गई है, उसका रीज़न ये है कि अब सैमसंग गैलेक्सी फोल्ड के अंदर आपको एस पेन की सपोर्ट भी देखने को मिलेगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है जी फोल्ड, ये मैट 4 जी फोल्ड है यानी सैमसंग गैलेक्सी फोल्डेबल्स के अंदर इससे पहले हमारे पास एस पेन की सपोर्ट नहीं थी और इसका रीजन यही था
कि जो उसकी फ्रंट स्क्रीन थी उसके अंदर इतनी ज़्यादा एफिशिएंसी नहीं थी कि वो एस पेन को होल्ड कर सके। तो यहाँ पे सैमसंग ने ड्यूरेबिलिटी को बढ़ाया है और एस पेन की सपोर्ट भी दे दी है। तो अगर आप आर्ट वर्क करते हैं या एस पेन यूज़ करना चाहते हैं, इसको एज अ टैब यूज़ करना चाहते हैं, तो आपके पास एस पेन की सपोर्ट भी है। ये फर्स्ट टाइम हुआ है कि फोल्डेबल्स के अंदर आपको एस पेन की सपोर्ट मिल रही है। इसके अंदर भी दो फीचर्स हैं, एक जी फोल्ड के लिए डेडिकेटेड बनाया गया है और एक एस पेन प्रो का फीचर है जो कि ब्लूटूथ के जरिए आप अपनी नोट सीरीज या एस सीरीज के अंदर भी यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा जैसे मैं बार बार आपको बता रहा हूँ ड्यूरेबिलिटी को लेकर, तो यहाँ पे सैमसंग ने वाटर रेजिस्टेंट भी कर दिया है फोल्डेबल्स को। ये फर्स्ट टाइम हुआ है इन द वर्ल्ड के कोई फोल्डेबल फोन वाटर रेजिस्टेंट है। यहाँ पे IPX8 की हमें वाटर रेजिस्टेंट भी मिल रही है, यानी ये फोन को तकरीबन 1.5 मीटर तक 30 मिनट्स तक स्टे कर सकता है पानी के अंदर, और आप इसको बारिश में भी आराम से फोल्डेड या अनफोल्डेड यूज़ कर सकते हैं। ये एक इंप्रूवमेंट है ड्यूरेबिलिटी को लेके, वाटर रेजिस्टेंट भी है, बिल्ड क्वालिटी भी काफ़ी बेहतर कर दी है। इसके अलावा एक इंप्रूवमेंट और आई है कैमरा सेक्शन की तरफ से। जैसे मैंने आपको बताया यहाँ पे बैक साइड पे ट्रिपल कैमरा सेटअप है जिसमें तीनों कैमरे 12 मेगापिक्सल के हैं। मेन कैमरा भी 12 मेगापिक्सल का है, 12 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड मिल रहा है और 12 मेगापिक्सल का टेलीफोटो लेंस लगाया गया है। OIS की सपोर्ट भी मिल रही है। OIS क्या होती है, हमने एक डेडिकेटेड वीडियो बनाई थी, उसमें आपको बताया था, अगर आपको नहीं पता तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। इसके अलावा कैमरा के अंदर एक डिफरेंस ये है, अच्छा फ्रंट साइड पे भी आपको डुअल कैमरा सेटअप मिल रहा है। एक आपको यहाँ पे कवर स्क्रीन के अंदर मिलता है जो कि 10 मेगापिक्सल का है, और एक आपको यहाँ पे अंदर दूसरे स्क्रीन के अंदर भी मिलता है जो कि अंडर डिस्प्ले लगाया गया है। तो ये टेक्नोलॉजी भी सैमसंग ने सबसे पहले लॉन्च की है अंडर डिस्प्ले कैमरे की। ये 4 मेगापिक्सल का कैमरा लगाया गया है, इसके अंदर आप वीडियो स्ट्रीमिंग करते हैं तो बिल्कुल वीडियो कैमरा ये नजर नहीं आएगा। अगर मैं आपको वाइड स्क्रीन पे भी दिखाऊं तो आप देख सकते हैं वाइड स्क्रीन पे आपको यहाँ पे कोई कैमरे की डिस्टर्बेंस नहीं मिलेगी, कोई होल मच नहीं है, कोई यहाँ पे नॉच नहीं मिल रही, तो फुल व्यू डिस्प्ले का काफी जबरदस्त यहाँ पे मजा आने वाला है। एक तो टैप का 7.6 इंच का डिस्प्ले, क्वाड HD प्लस डायनेमिक एमोलेड डिस्प्ले, और साथ साथ कोई कैमरा का कटआउट नहीं है, तो फुल व्यू डिस्प्ले आपको काफी जबरदस्त मिलेगा। ये एक इंप्रूवमेंट की गई है, अंडर डिस्प्ले कैमरा लगाया गया है। इसके अलावा सैमसंग ने जहाँ काफ़ी सारी इंप्रूवमेंट की है, तो यहाँ परफॉर्मेंस में भी इंप्रूवमेंट की गई है लास्ट जनरेशन के मुकाबले में। वहाँ पे स्नैपड्रैगन 7 नैनोमीटर बेस चिपसेट मिल रही थी और यहाँ पे 5 नैनोमीटर फैब्रिकेशन प्रोसेस पे लगा दी गई है, यानी स्नैपड्रैगन 888 की चिपसेट यूज़ की गई है जो कि फ्लैगशिप लेवल की। और कैसा एक्सपीरियंस होगा परफॉर्मेंस का वो इसका रिव्यू में चेक करेंगे। इसके अलावा बात करें अगर वेरियंट्स की, तो ये 12 GB रैम 256 GB रोम के वेरियंट में आ रहा है और इसमें UFS 3.1 की स्टोरेज मिल रही है जो कि ये भी इम्प्रूव की गई है और ये काफ़ी फास्ट है परफॉर्मेंस में। जैसे मैंने आपको बताया बार बार चेक करना है, इसका रिव्यू जल्दी करूंगा क्योंकि ये फर्स्ट इंप्रेशन की वीडियो है। अभी तक जो मैंने फर्स्ट इंप्रेशन लिए हैं मुझे डिवाइस बहुत पसंद आई है। इसके अलावा बाकी स्पेक्स की बात करें तो यहाँ पे आपको 4400 mAh की बैटरी मिल रही है 25 वॉट की फास्ट चार्जिंग के साथ। साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर मिल रहा है, डॉल्बी एटमॉस के डुअल स्टीरियो साउंड मिल रहे हैं जिसमें काफ़ी ज़बरदस्त साउंड स्पीक साउंड क्वालिटी होगी, वो चेक करेंगे इसके अनबॉक्सिंग के दौरान भी और इसका रिव्यू भी जल्दी लेकर आऊँगा। अभी इसके फर्स्ट इंप्रेशन है जिसमें मुझे डिवाइस बहुत पसंद आई। सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ मुझे लगी डिवाइस का डिज़ाइन, डिस्प्ले और बिल्ड क्वालिटी। बिल्ड क्वालिटी पर सैमसंग ने बहुत ज़बरदस्त काम किया है। अब इसको कोई यूज़र अगर पूछता है मुझसे सैमसंग गैलेक्सी Z Fold पे अगर पैसा खर्च करना कैसा है, तो मैं कहूँगा आप बेफिक्र होकर पैसा खर्च कर सकते हैं क्योंकि सैमसंग ने ड्यूरेबिलिटी को लेके बहुत ज़्यादा काम किया है और इस फोन के अंदर जो बिल्ड क्वालिटी है उसको बहुत ज़्यादा इंप्रूव किया है लास्ट जनरेशन के मुकाबले में। डिवाइस के वेट को भी बहुत काफ़ी कम किया है क्योंकि लास्ट जनरेशन में ये भी यहाँ पर थोड़ी शिकायत थी कि डिवाइस थोड़ी सी भारी भी थी और डिवाइस थोड़ी सी मोटी भी थी, तो थिकनेस को भी लेके काम किया है। लास्ट जनरेशन यानी Z Fold 2 282 ग्राम की थी और Z Fold 3 के अंदर 271 ग्राम कर दिया गया है। वेट कम किया है डिवाइस का और डिवाइस की थिकनेस भी कम की है। जो पहले थोड़ी सी डिवाइस मोटी थी फोल्ड होने के बाद, तो अब ये फोल्ड होकर डिवाइस इतनी ज़्यादा मोटी नहीं रही है, थिकनेस बहुत कम की गई है। और साथ साथ आप इसको अनफोल्ड भी देखते हैं तो अनफोल्ड के अंदर भी थिकनेस बहुत कम की गई है डिवाइस की, जो कि स्लिम हो चुकी है काफ़ी ज़्यादा। इसके अलावा 3 कलर्स ऑप्शन दिए हैं सैमसंग ने लास्ट जनरेशन के अंदर, यानी Z Fold 2 के अंदर 2 ऑप्शन थे, यहाँ पर आपको 3 ऑप्शन मिलेंगे। एक हमारे पास इसका ये है फैंटम ब्लैक कलर, एक हमारे पास फैंटम सिल्वर कलर है और एक हमारे पास फैंटम ग्रीन कलर है। तो ये 3 कलर्स ऑप्शन है, मुझे ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगा है फैंटम सिल्वर कलर, काफ़ी खूबसूरत है, फ्रेम भी सिल्वर कलर का है, बैक साइड भी सिल्वर कलर की है और यहाँ पे आप देख सकते हैं अगर फ्रेम की बात करें तो फ्रेम थोड़ा सा शाइनिंग भी है, तो मुझे बहुत प्यारा लग रहा है सिल्वर कलर। आपको कौन सा अच्छा लगा है मुझे बताइएगा जरूर कमेंट सेक्शन में। तो इस वीडियो में इतना ही, उम्मीद है आपको सैमसंग गैलेक्सी Z Fold 3 की इंप्रूवमेंट पसंद आई होंगी। क्या आप लोग क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अल्लाह हाफिज़।